का ये मेन मुद्दा ये जम्मू कश्मीर के लिए ये है कि हमारे जो चिराग साहब ने जो हमें यहाँ पे एक मैसेज संदेश भेजा अपना कि हमारी जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की जो इच्छा थी हमारी, हमने वो इच्छा उनके आगे रखी। और तकरीबन हमारे कम से कम कोई 50 के करीब जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में उतारे थे पूरे, उनकी लिस्ट वगैरह बनाई हुई थी। तो जैसे लिस्ट भी हमारे चिराग साहब के पास गई, चिराग साहब ने कहा कि हम कुछ वेरीफाई करेंगे। हमारे जो AK वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा था उनका 2 दिन पहले, उन्होंने यही कहा कि हम वहाँ से लिस्ट बना के बताते हैं क्या करना है, इलेक्शन लड़नी है या ना लड़नी है। वो तो हमने चल रहा था कि जैसे वो कहेंगे, हम हमारी टीम जम्मू कश्मीर की पूरी तैयार बैठी है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन चिराग साहब ने यही कहा कि हमारी पार्टी जो है NDA के साथ सपोर्ट करेगी, हमारा जो सेंटर में भी लाइंस हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो NDA को लाइंस करेंगे हम। और चिराग साहब का संदेश है और उनका हुक्म है, वो हमें मानना पड़ा है। जैसे उन्होंने कहा है कि आप पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और NDA को सपोर्ट करेंगे, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो NDA को, आज से हमारी जो सपोर्ट है वो NDA को सपोर्ट करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जितनी लीडरशिप भी है जम्मू कश्मीर में, जो हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, स्टेट लेवल की है, सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ के जो NDA को सपोर्ट करें और हम फुल जीत से चिराग साहब की झोली में डालना चाहते हैं। क्योंकि उनका जो 2 दिन पहले मीटिंग JB नड्डा से हुई, वो भी हमें फोटो यहाँ से भेजा कि उनकी कोई बात हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा NDA का अलायंस पार्टनर है, हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। और हम यही हमारी यही इच्छा है और दिल की इच्छा है, हमारे लीडर की तरफ की इच्छा है। हमने एक मीटिंग वगैरह कल की, तो उसमें यही फैसला किया कि हम NDA को सपोर्ट करेंगे, बड़ा धूमधाम से स्वागत जितवाएंगे। और जो जो सीटों पे जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हम उन सीटों पे पूरा फोकस करेंगे। काफी नाराज है आपके लीडर भी रफीक साहब, जो कहते हैं कि अब हम इस्तीफा करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, पूरी मदद। देखो, हमारा यही था कि हमारे जो चिराग साहब हमारे लिए सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। हमारे नेशनल AK वाजपेयी जो जहाँ के प्रभारी हैं, उनका भी यही कहना है कि NDA से हमारे सपोर्ट करनी है। तो हमारी पार्टी है, हमें कुर्सी का, जैसे हमारे चिराग साहब को कुर्सी की भूख नहीं थी, हमें कोई भूख नहीं है। हमारे लोगों के मुद्दे थे, ये बिजली पानी के मुद्दे थे, यहाँ डेली बिजलों के मुद्दे थे, उन मुद्दों पे हमारी पार्टी काम करती रहेगी। आज अगर हम लाइंस कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, कल को हम इन लोगों के लिए इनसे मांगने वाले बनेंगे। यही हमारा एक भरोसा और यकीन है कि हम चाहते हैं कि NDA जो जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ के जो जीत के PM साहब की झोली में जो सीटें जम्मू कश्मीर की डाली जाए, और NDA ही है जो जम्मू कश्मीर का जो अच्छा एक विकास कर सकते हैं, अच्छे लोगों की एक राहत बन सकते हैं। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम PM साहब ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं जो आज तक नहीं हो सके हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा टाइम तो लगता है कि हर चीज़ को बनाने में, अगर पौधा भी लगाते हैं पौधे को भी थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में। तो हमारा यही कहना है कि हम आगे